बच्चा देने के बाद लगभग 2 से 3 महीना अंतराल होता है एक एनेस्ट्रस का, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये अंतराल इससे ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसको हम लोग पोस्टपार्टम एनेस्ट्रस कहते हैं, बच्चा देने के बाद गाय का गर्भ ना होना, अगर ये 2 से 3 महीना से ज़्यादा होने लगे तो ये नॉर्मल नहीं है। और इस समय इस अवस्था में कोई भी किसान को चाहिए डॉक्टर का सलाह लेना। इसके अलावा गाय को विटामिन ए, विटामिन ई और फास्फोरस की कुल 3 सुई लगवाने से बियान के बाद उसके फिर से गर्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको ये भी बता दें कि गर्म ना होने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि पशु का अंडाशय पूरी तरह से निष्क्रिय है, और दूसरा कारण है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया का बाहर कोई लक्षण ना दिखाई पड़ना। इस बारे में सही जानकारी लेने के लिए आप गाय के भग की लालिमा पर 1 सप्ताह तक लगातार गौर करते रहें। अगर 7 दिनों में रंग फीका ही दिख रहा हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया हो, तो आप समझ लें कि गाय हीट में नहीं आई है। अपनी इच्छानुसार आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 7 दिनों के दौरान भग का रंग बदलता हुआ दिखाई दे, भग में लालिमा दिखाई पड़ने लगे, तो आप ये मान लें कि आपकी गाय चुप्पी या मौनी है, यानी गाय का अंडाशय सक्रिय है। हीट में आने की सारी प्रक्रियाएं अंदर तो चल रही हैं, पर बाहरी लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे में आप जल्द से जल्द चिकित्सक की सलाह लेकर सही उपचार कराएं। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पशु यदि शाम को गर्मी में आए तो उसे सुबह गर्भित कराएं, और यदि सुबह गर्मी में आए तो उसी दिन शाम में गर्भित कराएं। यानी गर्मी में आने के 10 से 12 घंटे बाद कृत्रिम या प्राकृतिक गर्भाधान कराना चाहिए। गर्भाधान की प्रक्रिया के समय पशु को डराए या मारे नहीं, तथा उसे किसी भी प्रकार से उत्तेजित न करें। गर्मी की अवस्था में गर्भाधान के पहले या बाद में स्नान कराना चाहिए। पशु लगभग 21 दिनों के अंतर पर फिर से गर्मी में आता है, इसलिए 21 दिनों बाद फिर से इसके लक्षणों पर गौर करें। समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लेते रहें।